कृषि कार्य में मिलने वाले सम्मान में कमी आने, फसलों की कम उत्पादकता, घटती लाभप्रदता और अनियमित मानसून के कारण भारत के ग्रामीण युवाओं का कृषि के प्रति तेजी से आकर्षण कम हो रहा है। वो अपनी आजीविका के लिए अन्य अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस स्थिति को बदलने का एक ही उचित तरीका है कि बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को कृषि को एक उद्यम के रूप में अपनाने के लिए आकर्षित किया जाए। इसके लिए कृषि को अधिक आकर्षक, लाभकारी और सम्मानजनक बनाने की जरूरत है। इस उद्देश्य के साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा एक अग्रणी कार्यक्रम कृषि में युवाओं को आकर्षित करना तथा बनाए रखना प्रारंभ किया गया, जिसे आर्या नाम दिया गया। पहले चरण में कृषि विज्ञान केंद्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा राज्यों के अन्य संबंधित विभागों के तकनीकी सहयोग से आर्य परियोजना को भारत के 25 राज्यों के चुनिंदा 25 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि तकनीक अनुप्रयोग संस्थान जोन 2 जोधपुर के द्वारा राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा और हरियाणा में कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम के माध्यम से परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। आदिवासी बहुल जिले बांसवाड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा आर्य परियोजना को वास्तविकता में साकार करते हुए इसके उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस योजना के तहत हम युवा कृषकों को यहाँ पर लाकर एक महीने का प्रशिक्षण मुर्गी पालन के ऊपर देंगे और मुर्गी पालन में हाथ से काम करके सिखाना, एक महीने के अंदर पारंगत करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो सरकार की मंशा यह है कि हमारे युवा कृषकों को उनके गांव के अंदर ही, उनके खेतों के अंदर ही रोजगार मिल सके। स्थिति परक विश्लेषण के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा 200 ग्रामीण युवाओं का चयन किया गया है। विभिन्न उद्यमशीलता गतिविधियों में युवाओं का कौशल विकास करना इस परियोजना का लक्ष्य है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा नर्सरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन तथा अन्य आय सृजन करने वाली उद्यमशीलता इकाइयों का चयन किया गया है। युवाओं को उद्यम इकाइयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वो अपनी पसंद के क्षेत्र के सभी पहलुओं में विशेषज्ञ बन सकें और अंततः अपनी स्वयं की उद्यम इकाइयों को स्थापित कर सकें। कृषि विज्ञान केंद्र बांसवाड़ा से वहाँ अंदर ट्रेनिंग दी जाती है एक मुर्गी पालन की। मैंने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट किया और हम वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके बाद हमने 32 दिन की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मुर्गी पालन का काम हमने शुरू किया इधर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके अंदर तरक्की करें इसीलिए हमने बैंक में अर्जी भी दे रखी है, हमको लोन मिल जावे और महीने का हम 10,000 रुपये कमा लेते हैं और आगे से ज़्यादा आमदनी हमारी बढ़ जावे, इसलिए हमने दुकान भी बना डालने की कोशिश कर रहे हैं और लार्ज स्केल पर हमारा ये धंधा हो और बढ़ता जाए, यही हम कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम के द्वारा 200 ग्रामीण युवाओं का क्षमता निर्माण करने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें बागवानी, नर्सरी, मशरूम उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन वाली उद्यमशीलता इकाइयों का चयन किया गया। आज का जो युवा है वो शहर की तरफ भाग रहा है, तो उनको उस शहर की तरफ भागने से बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए जो आर्या प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत 4 प्रकार के व्यवसाय इस केंद्र द्वारा शुरू किए गए हैं। उनमें बटन मशरूम है, संरचित खेती है और विभिन्न तरह के मूल्य संवर्धन के ऊपर है, और उसी तरह से जो हमारे जो भूमिहीन किसान हैं उनके लिए बकरी पालन पर प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। और इन प्रोग्राम को अपनाकर हमारे जो ग्रामीण युवा हैं प्रशिक्षण लेने के बाद में नई नई विधि सीखकर अपना रोजगार चलाएंगे, अपनी आय बढ़ा सकेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र गुरुग्राम के द्वारा की गई पहल का लाभ उठाकर अनेक युवाओं द्वारा अपनी स्वयं की इकाइयां और ग्रामीण उद्यम स्थापित किए गए हैं, जिनसे वो अच्छा लाभ कमा रहे हैं। हमने आर्य प्रोजेक्ट के तहत फरवरी 2017 में केवीकेसी कोपुर से ट्रेनिंग ली। हमने वहाँ से पूसा सोया नट्स की ट्रेनिंग ली।
जो ट्रेनिंग लेके हमने 10 महिलाओं ने मिलके फिर अपना ग्रुप बनाया और काम शुरू किया। काम शुरू करके हमने मार्केट में अपना सामान बेचा। हमने सोयाबीन के साथ बाजरा, गेहूं और ज्वार को भी जोड़ा, जिससे हमने अपने प्रोडक्ट बना के मार्केट में भेजे और लोगों को पसंद आए और लोगों ने उनको खाया और अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ से मिला। इसको देख के गाँव की और भी औरतें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके पास कम जमीन थी और आमदनी का साधन नहीं था, ऐसी औरतें हमारे साथ जुड़ के अभी काम कर रही हैं और अपने घर का गुजारा अच्छे से कर रही हैं और अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षा भी दे रही हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं बेरोजगार सा हो गया था, तो फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप आर्या प्रोजेक्ट के तहत केवी के सिकोपुर में एक ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हो। तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद में मैंने ट्रेनिंग ली प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन इन फ्लोरिकल्चर। ट्रेनिंग लेने के बाद में मैंने अपनी खुद की नर्सरी लगा ली है। केवी के ने भी मेरा काफ़ी सहयोग किया है इसमें। जो भी काम था वो साइंटिस्ट वगैरह मुझे बताते थे किस तरह की ऐसे करना है, फ्लावर वगैरह कैसे तैयार करने हैं, सीडलिंग कैसे तैयार होती है, ये सब बताया मुझे। अब मैं अपनी नर्सरी में विनका, क्रैजेंथीमम, ग्लैडुलस, ऑर्नामेंटल केल, डेलिया, ये सब तैयार कर रहा हूँ। और जो भी नज़दीकी जो सोसाइटी है वहाँ से लोग आते हैं मेरे पास और फ्लावर वगैरह लेके जाते हैं। लगातार निगरानी, मूल्यांकन और बीच बीच में किए गए सुधारों के माध्यम से कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान जोधपुर के द्वारा इन युवा उद्यमियों की प्रगति को सुनिश्चित किया जा रहा है। गांवों में युवाओं के लिए आर्थिक मॉडलों की स्थापना करने के निर्धारित उद्देश्यों के साथ इसे हासिल किया गया है, ताकि युवा कृषि के प्रति आकर्षित हों और उनका रुझान इसमें बना रहे। आर्य परियोजना के द्वारा धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से कृषि में युवाओं को प्रोत्साहित करने के दीर्घावधि प्रभावों को बनाए रखकर एक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ हो रहे पलायन को भी रोका जा रहा है। आज भारत के ग्रामीण युवाओं के लिए गौरव और आत्मविश्वास की भावना के साथ अपने कृषि कौशल में सुधार लाने और समग्र राष्ट्र की बेहतरी के लिए इसे उत्कृष्टता के उच्च स्तर तक ले जाने का ये बिल्कुल सही समय है।